Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Children, now take out your moral science textbook. In our last video, we have done question answers of chapter 4. Today, we are going to do chapter 5. Now take out moral science textbook, page number 18, chapter 5. Chapter 5, God sees everything. God can see all of our actions. God sees everything. What is the name of our lesson? God sees everything. Ramu returned from school. R-A-M-U, Ramu. R-E-T-U-R-N-E-D, returned from school. Ramu, school se ghar pe wapas aa gaya. He went to his room. R-O-O-M, room. Wapas uska room mein gaya. Kept his school bag. K-E-P-T, kept his school bag. School bag. इन द कबोर्ड, उसमें कबोर्ड में जाकर उसका स्कूल बैग रख दिया. रिमूव, आर ई एम ओ वी डी, रिमूव हिज शूज, शूज निकाले उसने. एंड चेंज, सी एच ए एन जी डी, चेंज हिज क्लोथ्स, सी एल ओ टी एच एस, क्लोथ्स, उसका कपड़ा भी चेंज किया. देन ही वेंट टू द किचन, के आई टी सी एच एन, फिर किचन में गया. हिज ग्रैंड मदर, जी आर ए एन डी एम ओ टी एच एस, ग्रैंड मदर वॉज waiting, W-A-I-T-I-N-G, waiting there with milk and sweets. वो स्कूल से वापस आए ना, उसको स्नैक्स देने के लिए, मिल्क और स्वीट्स देने के लिए ग्रैंड मदर वेट कर रहा था. ही एट एवरीथिंग, ई वी ई आर वाई टी एच आई एन जी, एवरीथिंग, वेरी फास्ट, एफ ए सी फास्ट, एकदम जल्दी उसने खा लिया. एंड रन बैक, बी एस सी के बैक, टू हीज रूम, आर डबल ओ एम, रूम, एकदम जल्दी उस रूम में वापस गया. He closed, C-L-O-S-E-D, closed the door, darwaja band kiya, of his room and locked, L-O-C-K-E-D, locked it from the inside, I-N-S-I-D, inside, andar jaake ekdam andar se room lock kar diya. Ramu's mother and father, M-O-T-H-E-R, mother, and F-A-T-H-E-R, father, had not yet come, C-O-M-E, come back from office, O-F-F-I-C, office. उसका पापा मम्मी दोनों ऑफिस में से वापस नहीं आए था. हिज ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग, एम ए के आई एन जी, मेकिंग देर, टी एच ई आई देर, एस यू डबल पी आर, सप्पर, उसको ग्रैंड दादी सबके लिए सप्पर बनाया था. आफ्टर सम टाइम, ए एफ टी आर, आफ्टर सम टाइम, एस ओ एम ई टी आई एम ई, सम टाइम, हिज ग्रैंड मदर कॉल्ड रामू, रामू, थोड़ी देर बाद में दादी देखा वो बाहर नहीं है रामू, तो वो दादी रामू को जोर से बुलाया. देर वॉज नो आंसर, पहले रामू ने कोई आंसर नहीं दिया, आवाज नहीं दिया. द ग्रैंड मदर वेंट टू रामूस रूम, फिर दादी ने क्या किया, रामू का रूम के बाहर जाके उसको बुलाया. एंड नॉक एट द डोर, फिर दरवाजे में आवाज किया. रामू, रामू, ग्रैंड मदर कॉल्ड अगेन, बार बार उसको बुला रहा था, तू अंदर क्या कर रहे, बाहर आओ ऐसे करके. यस ग्रैंड मदर, रामू आंसर, थोड़ी बाद में उसने आंसर किया, यस दादी मैं इधर, मेरा रूम में है ऐसे. ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ग्रैंड मदर ने क्या बोला रामू को, रूम का दरवाजा खोलो. आफ्टर सम टाइम रामू ओपन, ओ पी ई एन ई डी, ओपन द डोर, थोड़ी देर बाद में, एकदम जल्दी नहीं, थोड़ी देर बाद में रामू दरवाजा खोला. ग्रैंड मदर नोटिस, एन ओ टी आई सी डी, नोटिस दैट रामू लुक फ्राइटन, एफ आर आई जी एच टी ई एन ई एन डी, फ्राइटन मीन्स डर गया, ऐसा लग रहा था बहुत डर गया. वॉट हैपेंड, आस ग्रैंड मा, दादी मैं उसको पूछा आपको क्या हो गया रामू, बट रामू डिड नॉट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोला. ग्रैंडमा अंडरस्टूड दैट, यू एन डी ई आर एस टी डबल ओ डी, अंडरस्टूड दैट रामू वॉज हाइडिंग, एच आई डी आई एन जी, हाइडिंग समथिंग, एस ओ एम ई टी एच आई एन जी, ग्रैंडमा का ऐसा लग रहा था वो बहुत डर गया जैसा लग रहा था, उसके हाथ में कुछ है. वॉट इज इन योर हैंड, आस्क ग्रैंडमा, वॉट इज इन योर हैंड, आस्क ग्रैंडमा, दादी माँ रामू को पूछो तेरा हाथ में क्या, दिखाओ. रामू वॉज साइलेंट अगेन, एस आई एल ई एन डी, साइलेंट, ए जी ए आई एन, वापस उसने कुछ नहीं बोला. शो मी वॉट इज इन योर हैंड, ग्रैंडमा सेड अगेन,
फिर दादी मैंने पूछा आपको हाथ में क्या है, हाथ दिखा मुझे। फाइनली FANALL फाइनली रामू शो लास्ट उसको दिखाना उसको दिखाया हिज हैंड्स ही वॉज होल्डिंग HOLDING होल्डिंग इसे पकड़ा था। ये कंप्यूटर गेम CUMPUTER कंप्यूटर GAME गेम कंप्यूटर गेम उसका हाथ में क्या था इसे पकड़ा था कंप्यूटर गेम इन हिज हैंड्स फिर दादी को उसने दिखाया। Where did you get it from? Grandma asked. Grandma उसको पूछा तुमको कहाँ से मिला, तेरे पापा मम्मी ने लेके नहीं दिया, तुमको कहाँ से मिला ये कंप्यूटर गेम। Where did you get it from? Grandma asked. Ramu did not say anything. Ramu ने कुछ नहीं बोला। Grandma asked him the same question. QUESTION question again. AGAIN again. फिर से ग्रैंड मा ने पूछा आपको ये कंप्यूटर गेम कहाँ से मिला। I have taken it from my friend's bag. I have taken it from my friend's FRIENDS friend's bag. मेरा फ्रेंड का बैग में से मैंने लिया। Ramu finally answered. थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, बार बार दादी में पूछा ना तुम कहाँ से मिला तुमको ये, फिर फाइनली उसने बोला मेरा दोस्त का बैग में से मैंने लिया। ओ दैट इज स्टीलिंग STEALING स्टीलिंग ये तो चोरी करके आई तुमने। ग्रैंड मा कंटिन्यूड CONTINUED ग्रैंड मा ने बोला तुमने वो बिना पूछ के लिया इसने तुमने चोरी किया है। स्टीलिंग इज रॉन्ग STEALING स्टीलिंग इज WRONG रॉन्ग स्टीलिंग इज रॉन्ग ये गलत बात है। गुड चिल्ड्रेन शुड नॉट स्टील एनीथिंग अच्छे बच्चे और किसी का चीज़ चोरी करके नहीं लेंगे चोरी नहीं करेगा। गुड चिल्ड्रेन शुड नॉट स्टील एनीथिंग अच्छे बच्चे गुड चिल्ड्रेन शुड नॉट स्टील एनीथिंग। नोबडी हैज सीन इट ग्रैंडमा सर रामू रामू ने बोला ग्रैंडमा वो कोई देखा नहीं है मैंने चोरी करके लेके आया ना कंप्यूटर गेम तो मेरा दोस्त कोई नहीं देखा। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट IMPORTANT इम्पोर्टेंट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कोई देखा है नहीं देखा है। वेदर समबडी सीज इट और नॉट वो देखा है कि नहीं वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टीलिंग इज रॉन्ग तू गलत किया ना तू चोरी किया तो गलत है ऐसे नहीं कोई नहीं देखा तो ये गलत नहीं है तो गलत है स्टीलिंग इज रॉन्ग। नॉट ओनली दैट इवन इफ नोबडी सीज गॉड सीज इट और कोई नहीं देखा तो भी गॉड ने देखा गॉड कैन सी ऑल ऑफ आवर एक्शंस गॉड कैन सी एवरीथिंग वी डू गॉड सी इट सेड ग्रैंडमा। Not only that, even if nobody sees, तुम सोचो और कोई नहीं देखा इसलिए मैंने आपका मेरा फ्रेंड का बैग में से कंप्यूटर गेम ले लिया। फिर ग्रैंड में क्या बोला और कोई नहीं देखा भी स्टीलिंग इज रॉन्ग चोरी करना गलत है वो गॉड सीज इट गॉड कैन सी ऑल ऑफ योर एक्शन सेड ग्रैंडमा। सॉरी ग्रैंडमा आई विल गिव इट बैक टू माई फ्रेंड टुमोरो कल मैं क्लास में जाकर उसको वापस कंप्यूटर गेम दे दूंगा। सॉरी बोला ग्रैंडमा से। यस यस यू शुड डू दैट हाँ तुम ऐसे करना चाहिए दादी ने बोला कल जाके उसको वापस देना चाहिए सेड ग्रैंडमा एंड शी वेंट बैक इनटू द किचन वापस उसने किचन में गया। टेकिंग और यूजिंग अदर्स थिंग्स विदाउट देयर परमिशन इज स्टीलिंग व्हाट इज स्टीलिंग टेकिंग और यूजिंग अदर्स थिंग्स TAKING taking or using others things without their permission 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 दूसरों को permission के बिना चीज़ use करना लेना वो तो stealing है चोरी है is STALING stealing stealing is wrong good stealing is wrong good children never steal अच्छे बच्चे कभी चोरी नहीं करेंगे। if we need anything हमको कुछ चाहिए तो वी शुड आस्क फॉर इट हमको कुछ चीज़ चाहिए हमारे पास नहीं है तो क्या करना चाहिए हम पूछना चाहिए दूसरों को परमिशन लेके दूसरों को चीज़ यूज़ करना चाहिए। वी शुड आस्क फॉर इट नॉट ओनली इन स्कूल बट एट होम ऑल्सो ऐसे खाली स्कूल के लिए नहीं है घर पर भी आप ऐसे करना चाहिए चोरी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टेक एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स कुछ चाहिए तो पापा मम्मी किसी को पूछ के लेना है नहीं तो फिर किसी को बिना देखे आप देखे यूज़ करें तो वो चोरी है स्टीलिंग है। व्हाट इज स्टीलिंग
taking or using others thing without their permission is stealing. We must learn to ask with politeness. अच्छे से पूछना चाहिए. P O L I T E N E S, politeness. अच्छे से आपको कुछ चाहिए ना तो अच्छे से पूछना चाहिए. May I have a glass of water? Will you please give me a pen? ऐसे सब आपको पूछना है. Can I see your notebook? आपके पास पेन नहीं है नहीं तो पूछने के. Will you please give me a pen? आपके पास पेन और पेंसिल नहीं है तो आपको फ्रेंड्स को इसे पूछ के भी ले सकते हैं. Can I see your notebook? आपको नोटबुक कंप्लीट करना है, दूसरों को नोटबुक चाहिए तो आपको इसे पूछना चाहिए. Can I see your notebook? एक्सेट्रा सम एग्जाम्पल्स. इसे आपको इसे पोलाइटनेस से बात करना चाहिए. आपको कोई चीज़ चाहिए तो. सम चिल्ड्रेन स्टील मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स. कोई कोई बच्चा है ना घर से पापा मम्मी नहीं देखेंगे ऐसे सोच के पैसा लेके आते, विच इज़ नॉट गुड. वो भी अच्छा नहीं है. वो सोचेगा मेरे पापा का है मम्मी का, फिर भी वो भी स्टीलिंग है. परमिशन का बिना कोई भी चीज़ लेना नहीं. टेकिंग और यूजिंग अदर थिंग्स विदाउट देयर परमिशन इज स्टीलिंग. सम चिल्ड्रेन स्टील मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पी ए आर एन डीज पेरेंट्स, विच इज़ नॉट गुड. वो अच्छा नहीं है. देन नेक्स्ट पेज, रिमेंबर दिस, ये हमेशा आपको याद रखना है. स्टीलिंग इज रॉन्ग, एस टी ई ए एल आई एन जी, स्टीलिंग इज डब्ल्यू आर ओ एन जी, रॉन्ग. स्टीलिंग इज रॉन्ग, चोरी गलत है. टेकिंग, वाट इज स्टीलिंग? टेकिंग अदर्स थिंग्स विदाउट देयर परमिशन इज स्टीलिंग. दूसरों को चीज़ लोग को परमिशन के बिना यूज करना लेना वो सब चोरी है, स्टीलिंग. देन आई विल डू, आई विल नॉट स्टील, मैं भी चोरी नहीं करूँगा. आई विल टेल द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलूँगा. आई विल रिटर्न टू अदर्स वाट इज नॉट माइन, अभी कोई भी कोई मेरा नहीं है तो मैं वापस दे दूँगा. देन राइट येस और नो. फर्स्ट द सेंटेंस रीड प्रॉपरली, देन ट्राई टू राइट दिस सेंटेंस इज राइट और नॉट रॉन्ग. वी शुड नॉट टेक अदर्स थिंग्स विदाउट देयर परमिशन, दूसरों को परमिशन के बिना हम किसी को चीज़ लेना नहीं चाहिए. द सेंटेंस इज राइट, देन यू हैव टू राइट हियर येस, वाई ई एस. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक, मॉन्सेस टेक्स्ट बुक में आपको करना है. वी शुड नॉट टेक अदर्स थिंग्स विदाउट देयर परमिशन, देन राइट हियर येस, दूसरों को चीज़ बिना परमिशन के लेना नहीं. द सेंटेंस इज राइट. सेकेंड, स्टीलिंग इज नॉट रॉन्ग इफ नोबडी सीज इट. हम सोचेंगे कोई नहीं देखे तो चोरी करना गलत बात नहीं है, कोई नहीं देखा ना तो ये सेंटेंस रॉन्ग है. अभी गॉड कैन सी एवरीथिंग वी डू, अभी कुछ भी हम करें ना गॉड को देख सकते. स्टीलिंग इज नॉट रॉन्ग इफ नोबडी सीज, द सेंटेंस इज रॉन्ग. देन यू हैव टू राइट हियर नो, ये नो नो, इधर ये सेंटेंस के आगे आपको लिखना है नो. देन थर्ड, गॉड कैन सी ऑल आवर एक्शंस, ए सी टी आई ओ एन एस, एक्शंस, हमारे सब कुछ एक्शंस गॉड को दे सकते. द सेंटेंस इज राइट. देन व्हाट विल बी राइट हियर, वाई एस, यस, द सेंटेंस इज राइट. गॉड कैन सी ऑल आवर एक्शंस, देन यू हैव टू राइट हियर द लाइन दिया हुआ इधर आपको लिखना है यस, वाई एस, यस. Then four, if we take anything from others, we should give it back. आपने एक कोई चीज़ लिया, परमिशन ले पूछा नहीं, इसे ले लिया तो क्या चाहिए. If we take anything from others, we should give it back. वापस देना चाहिए. The sentence also right. Then you have to write here, yes, yes. This exercise you have to do in your moral science textbook again. First, we should not take others' things without their permission, yes. Second, stealing is not wrong if nobody sees it, no. The sentence is wrong, you have to write here, no. God can see all our actions, yes. God can see everything we do, then write here, yes. If we take anything from others, we should give it back, the sentence also right, then write here, yes. Then complete this exercise in your moral science textbook. Children, question answers of this chapter we will do in our next video. Thank you children, have a nice day.